हम आज बात कर रहे हैं IRNSS और गगन की, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जो GPS वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं उसमें US का सालों से चल रहा है नेवस्टार, जिसे हम नेविगेशन सैटेलाइट और रेंजिंग कहते हैं, रशिया का ग्लोनास, इन सब के सिग्नल आप अगर अपना GPS ओपन करें तो आपको मिलेंगे। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और ये ग्लोनास हमारी एक सबमरीन है चक्र, उसमें चलता है। अब रीजनल GPS की बात करें तो चाइना का बाइडू है, रीजनल ऑपरेशनल है, ऐसी जापान का QZSS क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है, इंडिया के रीजनल जो सिस्टम है उसमें गगन और IRNSS है। अब इसमें कंफ्यूजन है कई लोगों को, जो पहली बार इसे समझते हैं कि गगन और IRNSS क्या एक है, दोनों में क्या अंतर है, कौन सा ग्लोबल है, कौन सा किसके काम में आता है। तो US के अभी GPS 24 ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, वैसे तो इनके 52-53 सैटेलाइट है, लेकिन 24 हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ के अराउंड, और इससे पूरा वर्ल्ड का कवरेज मिलता है। तो ये ग्लोबल कवरेज है, बाकी रीजनल कवरेजेस हैं। तो IRNSS के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या है ये? IRNSS, जैसे मैंने बताया QZSS, जैसे मैंने बताया आपको आपका बाइडू, इस तरीके से ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें कुल मिला के 7 सैटेलाइट हैं। 3 इसमें जियो स्टेशनरी है जो 36,000 किलोमीटर पे होंगे, 4 आपके जियो सिंक्रोनस होंगे जो 700 से 800 किलोमीटर की हाइट पे होंगे अर्थ सर्फेस से। तो ये 1500 किलोमीटर, मतलब अर्थ का 1500 किलोमीटर एरिया कवर करता है, यानी अर्थ और आसपास के एरियाज को ये कवर करता है। इसमें बड़ी जो सेटेलाइट है इसमें एक्सट्रीमली एक्यूरेट रुबिडियम एटोमिक क्लॉक है इसमें, और GPS रिसीवर ये इसमें काम नहीं करेंगे जब तक कोई स्पेशल रिसीवर आप नहीं बनाएंगे। GPS वाला रिसीवर से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, चीजें अलग है। इसमें एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम SPS के लिए आपका IRNSS बनाया जा रहा है। ये सब यूजर के लिए ओपन है, सारे यूजर के लिए ओपन है जिन जिनको इनकी फैसिलिटी मिलेगी, और एक्यूरेसी 20 मीटर तक इसकी बताई जाती है। 4 सैटेलाइट मैंने जो आपको बताया वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे है, यानी कि ये पेयर में घूमेंगे इस तरीके से, ये 8 बनाएंगे, जब ये घूमेंगे ना तो 8 अक्षर का बनाएंगे जिसे हमें एक्यूरेट पोजीशन मिलेगी। 3 सैटेलाइट आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है 36,000 किलोमीटर पे, ये आपको फिक्स दिखाई देंगे। तो इसमें अगर आप देख पाए तो आपके ये 4 है सैटेलाइट जो 8 बना रहे हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं, ये आपके 8 1 2 3 4 सैटेलाइट 8 बना रहे हैं, ये आपके 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे है 36,000 किलोमीटर पे। तो यस, इस तरीके से कवरेज है IRNSS का। तो IRNSS एक इंडिपेंडेंट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और इंडिया ने इसे बनाया है, इसमें बहुत रोल इसरो का है, और ये एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए है ताकि आप अपना देश और आसपास के जो मित्र देश हैं उनको हम एक पोजीशनिंग दे सकें, सर्विस दे सकें। तो 2 टाइप की इसमें सर्विसेज होंगी, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस है SPS और एक होगी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। तो ये अलग अलग तरीके से आपको एक्यूरेसी मिलेगी, इसमें 20 मीटर इसकी नॉर्मल एक्यूरेसी आपको मिलेगी। जो IRNSS का ICD है, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट है सिग्नल इन स्पेस का, SPS के लिए स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम के लिए इसको पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया है, ताकि अब इस पर रिसर्च डेवलपमेंट हो सके, क्या क्या काम होंगे इसके लिए आप रिसीवर बना सके। जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है, और इसमें देखिए IRNSS 1G की बात हुई क्योंकि ये लॉन्च हुआ अप्रैल 28, 2016 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और ये जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया IRNSS 1G, ये आखिरी था 7 सैटेलाइट जो IRNSS के लिए जाने थे। 7 सैटेलाइट मैंने आपको बताया था, 3+4 आपके 3 जियो स्टेशनरी है, 4 आपके जियो सिंक्रोनस है। तो इस तरीके से आपको एक इंडिजीनियस GPS मिलेगा, लेकिन ये रीजनल GPS है। इसकी ऑर्बिट जियो स्टेशनरी की 129.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और अलग अलग इसके लोड है, मतलब IRNSS 1G की बात हो रही है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं यहाँ दिए जा रहे हैं, किस से गया, किस PSLV C33 से गया, उसके बारे में अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। अब हम आते हैं गगन पे। गगन मतलब है GPS एडेड, जिसका मतलब GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन मतलब ये है कि ये GPS का यूज करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपके US का, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में GPS के बारे में बताया। तो गगन एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है SBAS, और ये इसरो प्लस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि दोनों इस तरीके से हम हवाई जहाज लैंड करा सके कि 3 मीटर से कम की हमें एक्यूरेसी मिले हमेशा।
जो मेन ऑब्जेक्टिव है गगन का वो हमें एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, ताकि हम एक्यूरेटी और एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी मिले सिविल एविएशन के लिए। ध्यान दीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, और हम अच्छा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सके इंडियन एयर स्पेस में। जो सिस्टम है ये इंटरऑपरेबल है बाकी जो एसबास सिस्टम है, और ये सीमलेस नेविगेशन देता है रीजनल बाउंड्रीज के अक्रॉस भी। तो पहला गगन आपका नेविगेशन पेलोड वो GSAT-8 भेजा गया, अब गगन आपके पास अवेलेबल है। गगन अभी जीपीएस अमेरिकन जीपीएस पे है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम उस पर अपने कंट्रोल में ले आएंगे। जो बेसिक डिफरेंस है गगन और IRNSS का, कि गगन जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, IRNSS भी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया दो सर्विसेज है, एक सिविलियन के लिए है और एक जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड यूज है, वो डिफेंस यूज करेगी। तो गगन को और थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो गगन का मतलब ये है कि आपके L1 और L2 यानी कि आपका L बैंड C बैंड दोनों में, यहां देखिए जीपीएस आपका जीपीएस किस पे देता है, L1 L2 पे देता है। जबकि हम यहां पर जब गगन की बात करें तो हम किस फ्रीक्वेंसी में इसको दे रहे हैं, इसमें L बैंड S बैंड दोनों। ये गगन का अगर यूजर है कोई तो इसमें जीपीएस यहां से इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जियो ब्रॉडकास्ट मैसेज कहां से आ रहा है, जैसे हम जीपीएस से इंफॉर्मेशन लेंगे, यहां से जीपीएस से हमने इंफॉर्मेशन लिया, वो हमने दिया INMCC को, इसको पूरी तरीके से करेक्ट किया जाएगा, फिर इसको यहां पर हम ऊपर भेज देंगे जियो स्टेशनरी पर, और वो हमें वो सैटेलाइट इस हवाई जहाज को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। फिर समझिएगा, जीपीएस से हम डेटा ले रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं, उस करेक्शन करेक्टेड डेटा को हम ऊपर भेज रहे हैं सैटेलाइट से, जो रिट्रांसमिट कर रहा है किसको, हवाई जहाज को। तो ये हमारा मेन मुद्दा है कि हवाई जहाज को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और नेविगेशन में इसकी आसानी हो। तो ये इसका पूरा एक व्यू है गगन का। तो फिर से मैं समझाता हूं आपको, ये गगन का यूजर है, ओके। ये आपके जीपीएस, आपका जीपीएस है, जीपीएस है यूएस का जीपीएस। यहां पर हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इसमें हो क्या रहा है, और ये आपके अलग सैटेलाइट है जो जियो सिंक्रोनस भी है, तो हम यहां पर इससे इंफॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद और यहां से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, मतलब यानी कि जो लोकल है उनसे भी लेंगे, फिर इनको करेक्ट करेंगे, करेक्ट करके हम इनको दोबारा रिट्रांसमिट कर देंगे। कहां पर अपलिंक कहां करेंगे, देखिए ये अपलिंक है, ये अपलिंक जा रहा है जियो पे L1 और L5 बैंड पे। यहां पर हम L1 और L2 से ले रहे हैं, यहां L1 L5 पे जाएगा और फिर ये वापस गगन यूजर इसे यूज कर सकता है। माइक्रोवेव कैसे हेल्प करी, जो आपने L1 L2 अगर अभी L5 देखा, तो सैटेलाइट दो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, L5 और S बैंड। L5 जैसे L1 और L2 कौन यूज करता है, आपका US यूज करता है, तो ये माइक्रोवेव ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट पे। जो आपका रिसीवर है, जो GPS लाइक गैजेट होता है, वो कैलकुलेट करता है डिले क्या है, जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपने सैटेलाइट से आया इस तरीके से, तो कितने समय में वो आया, ये किस टाइम पे भेजा गया, कितने समय में आया, तो इससे आपको एक्यूरेटली आपका पोजिशन पता चलती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के फॉर्मूले से डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगी, जब आपको स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ लेंगे, और आपका जो टाइम यहां से आया, किसने टाइम में पहुंचा और कितना आपका ये स्पीड ऑफ लाइट से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। एटॉमिक क्लॉक्स अब माइक्रोवेव कैलकुलेशन के लिए जो नेविगेशन सैटेलाइट है, इसमें उनकी पीरियोडिकली ट्रांसमिट करते हैं प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ऑर्बिट में एग्जैक्ट टाइम पे, इसलिए हम वहां टाइमिंग सोनाटा तो नहीं डाल पाएंगे, बल्कि एक्यूरेटली रुबिडियम क्लॉक हम इसमें रखते हैं। तो हर एक IRNSS में आप देखेंगे जो भी हम सैटेलाइट इस पोजिशनिंग के लिए हम भेज रहे हैं, उसमें हम बहुत एक्यूरेट रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक होती है। तो ये अगर आप समझ गए हो अंतर IRNSS और GPS में, दोनों के अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग मतलब है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।